अरे वो जो पीछे कर दो, बोलो पीछे करके बैठो तो अपने को स्टैंड लगा लेने को इजी होता है। भाई भैया की हिम्मत करने और उनको सही रास्ते पर रखने की हमको तौफीक अता फरमाए, और जब कभी वो हमारी मदद तलब करें हम उनको मदद दें, ये तौफीक हमको अता फरमाए। आमीन। फिर व रहम अंत खैरु रहीमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन। जिंदाबाद। इसके लिए मैं खतरे मोहतरा तेलंगाना राष्ट्र, उन्होंने पहली मरतबा आज 57 साल से कभी भी कोई मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था और रेवेन्यू मिनिस्ट्री नहीं दी गई थी, मगर हमारे महात्मा लीडर ने सेकुलरिज्म का मुजाहरा करते हुए जिस तरह निजाम सरकार जब बादशाह थे तो वजीर आजम महाराजा किशन प्रसाद थे, उसी सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की है। आज सारे तेलंगाना के मुसलमान और हिंदू भाई भी केसीआर साहब के शुक्रगुजार हैं, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि हमारे तेलंगाना में ऐसा एक महात्मा हमें नसीब हुआ है जो तेलंगाना हासिल करने की जद्दोजहद भी पुरमन तरीके से करते हुए तेलंगाना हासिल किए हैं, और आवाम ने उन्हें भरपूर मेजार से जिताकर हुकूमत बनाने का मौका दिया है। इसलिए मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारे कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमको यह मौका नसीब हुआ। यकीनन केसीआर साहब ने जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, हम मिलजुल कर काम करेंगे, सेकुलरिज्म से काम करेंगे। हमारा मकसद यही होगा कि गरीब आवाम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। तेलंगाना की आवाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बेहद उम्मीदें रखती है, क्योंकि टीआरएस पार्टी कोई इमीडिएट पावर में नहीं आ रही है। 14 साल मुसलसिल पोराटम करने के बाद आज हमें यह मौका मिला है कि तेलंगाना की आवाम की खिदमत करें। यकीनन 57 साल से काफ़ी जुल्म होता रहा तेलंगाना पर, हर सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा हुआ है जिसके लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। तेलंगाना राष्ट्र समिति बिला मजहब मिलत तमाम भाइयों के साथ इंसाफ करेगी और सबको तरक्की करने के मौके दिए जाएंगे, और मैं आवाम से वादा करता हूँ जो मुझे रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई है और स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की जो मिनिस्ट्री दी गई है, यकीनन इसके लिए मैं हत्तल इम्कान कोशिश करते हुए डिसिप्लिन में काम करूँगा, और यहाँ गरीब आवाम के जो मसाइल है तमाम मसाइल को हल करने में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तमाम कलेक्टरों से बात की जाएगी, तमाम कमिश्नरों से बात की जाएगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की जाएगी, उनके साथ मीटिंग करते हुए इसमें जो खामियां हैं डिपार्टमेंट में उसे दूर किया जाएगा। यकीनन काफ़ी ज़माने से माहौल कुछ अलग था, आज का माहौल कुछ अलग हो चुका है। आज एक ऐसा अच्छा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं केसीआर साहब, कि जिससे डिसिप्लिन भी पैदा हो और तमाम गरीब आवाम की खिदमत हो। इसलिए मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को जो काम करने का मौका दिया गया है उसमें कामयाबी अता हो, और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ और सरकारी मुलाजिमीन से अपील करता हूँ कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। यकीनन सरकारी मुलाजिमीन का जो महकमा है वो हमारे साथ मिलजुल कर एक फैमिली मेम्बर की तरह काम करें और दयानतदारी से काम करें, तो ये तेलंगाना कुछ सालों के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बनेगी। ये बहुत जल्द
ऐसा नहीं है, ये साबिका में भी निजाम स्टेट के जो कारनामे वही कारनामे हम लाते हुए उस तरह से हुकूमत करना चाहते हैं जिसका नाम सेकुलरिज्म है। सर एक बात ये है कि आम आवाम से आप मुलाकात करेंगे? डेफिनेट करेंगे। देखिए साहब, आम लोग देखिए साहब, ये सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कलेक्टर तक महदूद नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट के नीचे के लेवल तक लोगों से मैं रब्त पैदा करूँगा और उसके साथ साथ अवामी जो सरपंच है, अवामी के जो नुमाइंदे हैं और अवाम से भी डायरेक्ट मुलाकात करते हुए उनके जो मसाइल हैं, उन्हें जो तकलीफ है और उनको राहत करने के लिए जो काम किया जाएगा, और डेफिनेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक अहम डिपार्टमेंट है, ये अहम कलमदान है, इससे हम जहाँ तक हो सके अगर अच्छी तरीके से कारकर्दगी करेंगे तो गरीब अवाम तक फायदा पहुँचा। देखिए साहब, पुराना शहर नया शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये बगैर दूरी पुराना शहर करके उसको जो है एक पुराना खंडर बना रहे हैं, ये टोटल गलत है। नया शहर और पुराना शहर को मसावत का दर्जा दिया जाएगा और सब लोगों के साथ इंसाफ होगा। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है, बिला मजहब और मिल्लत काम करने वाली पार्टी है, इसकी एक मिसाल मेरी खुद ये जो मुझे इख्तदार दिया गया है, हम केसीआर साहब का सारे लोग जितना भी इस पर गुजारे कम है, और ऐसे ही लीडर अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। పన్నెండు వందల గ్రామాలకు బస్సు లేనటువంటి గ్రామాలు ఉన్నాయి, అక్కడ రోడ్ల వసతులు లేవు, రోడ్ల వసతి కల్పించి తెలంగాణ మైనార్టీ స్టేట్ మైనార్టీ సివిల్ సెక్రటరీ హు కోదార్ సే జో తకరీబన్ ఎక్ దో గాడీ సే ఎక్ 50 ఆద్మీ ఆయే తే ఔర్ మహిమా అప్నే ఖౌమ్ కే లియే మహమూద్ అలీ సాహబ్ కే सदा नायब सदर मिनिस्ट्री मिलने के वजह से अपनी कौम बहुत आगे तरक्की होंगी बोलने के इरादे से अपन लोग कोदार से आए हुए हैं और उनके तरफ से कोदार के लोगों को और तेलंगाना के जो मैनाक्टी के मुस्लिम्स हैं उन लोगों को फ़ायदा होने का फ़ायदे के लिए काम करेंगे। हमारे महमूद अली साहब बोल के मेरी पूरी उम्मीद से बोल रहा हूँ कि महमूद अली साहब अपने कौम के लिए काम करेंगे। से आया हूँ, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, हम कोदार से 50-60 आदमी आए हैं माइनॉरिटी सेल सेक्रेटरी साहब के साथ। हमें उम्मीद रख के आएंगे महमूद अली साहब नायब वज़ीर आला होने के तवस्सुत से हम इधर आए हैं, हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी के लिए फ़ायदा करेंगे, हमें उम्मीद रखे हैं और हमारे दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट को, केसीआर साहब को, हमारी कोदार के माइनॉरिटी वाले दिल की गहराई से मुबारकबाद दें। हमें उम्मीद रखे हैं पूरी तवज्जो महमूद अली साहब माइनॉरिटी पे लगा के हमारी माइनॉरिटी को और माइनॉरिटी के उर्दू स्कूलों में उर्दू टीचर्स और हमारी कौम के बच्चियाँ दूर दूर जाके स्कूल दूर है, हमारे गाँव की तरफ में उर्दू के स्कूल नहीं है, उर्दू स्कूलों भी तामीर करवाएंगे बोल के हमें उम्मीद रखे हैं, उनसे अर्ज़ करते हैं हम। मेरा नाम मोहम्मद मजह है, कोदारा नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट टीआरएस टाउन माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट, टीआरएस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट। हमारे जो नलगुंडा ज़िला में कोदार मंडल में जो भी वक्फ लैंड्स है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह और मस्जिदों का और खबरस्तानों को रहारी दीवार और खबरस्तानों के डेवलपमेंट, मस्जिदों के डेवलपमेंट के बारे में हमारे महमूद अली साहब को हम ये इस जहर से उनको हम सिफारिश कर रहे हैं। ऐसे माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड लैंड्स एंड कॉम्प्लेक्स और शादियों और गरीब लोगों के शादियों के वास्ते और डेवलपमेंट और विवाहों और हैंडीक्राफ्ट्स और जो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स और माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जो भी आना है उन लोग माइनॉरिटी कॉरपोरेशन दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और महमूद अली साहब इसके ऊपर थोड़ा जान ले के थोड़ा काम करने के लिए हम चाहते हैं।